वैज्ञानिक और पुरातत्वविद समय समय पर अलग अलग खोज करते रहते हैं। कई खोजें लोगों के मन में उठा रहे सवालों का जवाब देती है तो कुछ हजारों सवाल खड़े कर देती है। आज हम आपको ऐसी ही बेहद अजीब और सबसे रहस्यमय खोजों के बारे में बताएंगे। नंबर 10, इजिप्शियन लाइट बल्ब। कुछ लोगों का कहना है कि डेंडेरा लाइट बल्ब एक सर्टिफाइड एविडेंस है कि प्राचीन इजिप्ट में बिजली से जलने वाले बल्ब बाकी सभ्यताओं की तुलना में हजारों साल पहले आ गए थे। इजिप्ट की देवी हैथर के मंदिर की दीवार पर डेंडेरा लाइट के चित्र तीन पत्थरों पर खोदकर बने हुए मिले हैं। एक नजर में ये एक बड़े लाइट बल्ब जैसा लगता है जिसके एक सिरे पर सॉकेट भी बना है, लेकिन इजिप्ट के लोगों की मान्यता इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि ये चित्र ये दर्शाते हैं कि गॉडेस हैथर सांप के रूप में एक डे बार्ज से उत्पन्न हो रही है। डे बार्ज लाइट बल्ब है और सांप फिलामेंट, सॉकेट जैसी दिखने वाली आकृति कमल का फूल है। असल में ये क्या है ये कह पाना मुश्किल है। इंजीनियर्स का कहना है कि लाइट बल्ब की ये टेक्नोलॉजी सीक्रेट सेरेमनीज में प्रयोग की जाती रही होगी, इसीलिए पुरातत्वविदों को इससे जुड़े कोई अवशेष नहीं मिले हैं। नंबर 9, फोर लेग्ड व्हेल्स। जीवाश्म वैज्ञानिकों को 43 मिलियन वर्ष पुराना व्हेल का एक बहुत अजीब और रहस्यमय जीवाश्म मिला है। ये व्हेल वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आजकल हमें देखने को मिलती है। वैज्ञानिकों का कहना है इस व्हेल के चार पैर थे, वेब्ड फीट और हूव्स भी थे। ये खोज पेरू के प्लाया मीडिया लूना में हुई। पैलियोन्टोलॉजिस्ट का मानना है कि उन्होंने एक रहस्यमय जीव की खोज कर ली है जो पानी में तैरने के साथ साथ धरती पर रेंगने में भी सक्षम था। करीब 13 फीट लंबी इस व्हेल की पूंछ बेहद शक्तिशाली थी और ये व्हेल की जगह आज के समय के ऑटर या बीवर जैसी ज्यादा दिखाई पड़ती है। इस खोज के बारे में रोचक बात यह है कि इसने इस तथ्य को झुठला दिया कि व्हेल मछली का ओरिजिन साउथ एशिया में 50 मिलियन साल पहले हुआ था। नंबर 8, मिस्टीरियस 200-year-old शिपरेक। हाल ही में गल्फ ऑफ मेक्सिको में कोस्ट से 200 मील दूर एक 200 साल पुराना शिपरेक पाया गया। इस शिप में कांच की बोतलें, सेरेमिक प्लेट्स और पुराने मिलिट्री मस्केट्स के क्रेटर्स मिले हैं। समुद्र तल से 4000 फीट नीचे डूबा हुआ, हालांकि ये बहुत अधिक विघटित हो गया है, लेकिन लकड़ी की रक्षा के लिए लगाई गई तांबे की परत अभी भी सुरक्षित है। बस इसका रंग समुद्र के पानी की वजह से हरा हो गया है। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये शिप 19वीं सदी के मध्य का है। इसमें मिले कुछ ऑब्जेक्ट्स 1800 से 1830 के बीच बहुत प्रचलित थे। आकर्षण का केंद्र है इसमें पाया गया शिप स्टोव, जो गल्फ ऑफ मेक्सिको में पाया गया दूसरा शिप स्टोव है। आश्चर्य की बात यह है कि किसी को ये नहीं पता ये जहाज कहां से आया था, कहां जा रहा था और कैसे डूबा। ना तो इस शिप में कोई जानकारी दी गई है और ना ही इसका कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। नंबर 7, एलीट वॉरियर हेलमेट। क्रोएशिया के दक्षिण डलमेशिया में एक पहाड़ी पर काम करते हुए एक आश्चर्यजनक कब्र चट्टान में दफन मिली। ये मकबरा 7वीं सदी BC में बनाया गया था। इसमें एक रहस्यमय युद्ध के समय प्रयोग होने वाला ग्रीक हेलमेट भी मिला है। इसे इल्यूरियन हेलमेट के नाम से जाना जाता है। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये हेलमेट ग्रीक आर्मी के किसी एलीट मेंबर का रहा होगा। शायद उसका शरीर मिट्टी में विघटित हो गया होगा। इल्यूरियन लोगों से पहले ये हेलमेट प्राचीन ग्रीक, स्किथियंस, एट्रूशियंस के द्वारा प्रयोग किया जाता था। इल्यूरियन बाल्कन पेनिनसुला में 6th सेंचुरी में रहा करते थे और 4th सेंचुरी के बाद से उन्होंने इस तरह के हेलमेट प्रयोग में लाना बंद कर दिया था। नंबर 6, फेस एम्बाल्मिंग रेसिपी। हाल ही में इजिप्ट से मिले एक 20 फीट लंबे पेपिरस को ट्रांसलेट करने के बाद रिसर्चर्स को प्राचीन इजिप्ट की उस एम्बाल्मिंग तकनीक के बारे में जानकारी मिली है जिसके बारे में पहले किसी को कुछ भी नहीं पता था। प्राचीन मेडिकल लेखों में पहले के समय में किसी मृत व्यक्ति के शरीर को दफन करने से पहले उसके शरीर को संरक्षित करने के लिए की जाने वाली एम्बाल्मिंग की पूरी प्रक्रिया विस्तार में लिखी गई थी। पेपिरस में मृत इंसान के चेहरे को मम्मी में परिवर्तित की प्रक्रिया भी लिखी हुई थी। पुरातत्व विभाग के लिए ये एक बड़ी खोज है, खासकर तब जब हमें मॉमिफिकेशन की तकनीक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में 3500 साल पहले लिखे गए पेपिरस बहुत महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल अवशेष हैं। नंबर 5, 480-year-old मिस्ट्री। कुछ नई आर्कियोलॉजिकल खोजों की मदद से एक 480 साल पहले पाए जाने वाले एक जीव से जुड़ा रहस्य लगभग सुलझा ही लिया गया है। हाल ही में मोरक्को में पैलियोन्टोलॉजिस्ट को स्टाइलोफोरेंस नाम के एक जीव का फॉसिल मिला है। ये जीव इतना अजीब दिखता है कि धरती पर पाए जाने वाले किसी भी अन्य जीव से इसकी तुलना करना असंभव है। इस समतल दिखने वाले जीव का शरीर एक कवच से ढका हुआ था। इसके एक लंबा हाथ इसके एक शरीर को पोक कर रहा था। आखिर ये क्या बला थी? 150 सालों से ये बात वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बनी हुई थी कि इवोल्यूशन के बाद ये जीव किस जीव में परिवर्तित हुए। इससे पहले स्टाइलोफोरेंस के जो अवशेष मिले हैं उनमें सॉफ्ट टिश्यू नहीं थे, लेकिन हाल ही में सहारा मरुस्थल में इस जीव के कुछ सॉफ्ट टिश्यू वाले फॉसिल मिले हैं
जिसकी वजह से वैज्ञानिकों के लिए उसकी एनाटॉमी कर पाना आसान हो गया और 480 साल पुराना रहस्य सुलझ गया। अब हम जानते हैं कि स्टाइलोफोरिन्स, एकिनोडर्म, सी क्यूकम्बर, स्टार फिश और ब्रिटल स्टार आदि जीवों के पूर्वज थे। नंबर 4, मिस्टीरियस वाइकिंग बरियल क्लोथ्स। हाल ही में बेहद अजीब और रहस्यमय वाइकिंग क्लोथ्स पाए गए हैं। इन पर एक प्रकार की अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि 9वीं से 11वीं सदी में रिसर्चर की कल्पना से बिल्कुल विपरीत वाइकिंग सिपाही इस्लामिक लोगों से काफी संपर्क में थे। इन कपड़ों पर अल्लाह शब्द लिखा हुआ था, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वाइकिंग बोट कब्र से मिले इन कपड़ों पर अल्लाह शब्द क्यों लिखा हुआ था। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि वाइकिंग समाज में भी कुछ लोग मुस्लिम थे। शायद कुछ लोगों ने सीक्रेटली इस्लाम को मानना शुरू कर दिया था। ये रोचक इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले मिले अवशेषों से पता चला था कि कुछ वाइकिंग लोग पर्शियन ओरिजिन के थे, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी पर्शिया और चीन से आते थे। लेकिन इस नई खोज ने फिर से पहले के तथ्यों को संदेहास्पद बना दिया है। नंबर 3, द लैंड ऑफ डेड फायर। जॉर्डन में सैकड़ों प्राचीन पत्थरों की कब्रों की खोज की गई। ये कब्रें विशाल चपटी चट्टानों से बनी है। ये साइट जॉर्डन के एक रेगिस्तान क्षेत्र में है, जो कि इतना बंजर है कि एक शुरुआती खोजकर्ता ने इसे लैंड ऑफ डेड फायर का नाम दिया। इसकी जलवायु अब असुविधाजनक है और बहुत कम लोग वहाँ रहते हैं। पत्थरों से ढकी कब्रों को क्रेन्स कहा जाता है, जबकि जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उन्हें टावर टूम कहा जाता है। ये मकबरे उन्हीं प्राचीन सभ्यताओं के नजदीक है जहाँ पहले नोमेडिक लोग रहा करते थे। हालांकि अधिकांश मकबरों को टूम रॉबर्स द्वारा नष्ट कर दिया गया था, फिर भी पुरातत्वविदों ने उनमें से कुछ को रिकवर कर लिया है, जिससे मिली जानकारी के अनुसार 4000 साल पहले इन कब्रिस्तानों का प्रयोग बंद हो चुका था, जो इस समय में इस सभ्यता का नष्ट होना दर्शाता है। अभी भी ये बताना मुश्किल है कि यहाँ रहने वाले लोग कौन थे और वो ऐसी वीरान जगह क्यों रहा करते थे और फिर इसे छोड़ क्यों गए। नंबर 2, रोमन बोर्ड गेम। नॉर्वे के एक कब्रिस्तान के टीले में आर्कियोलॉजिकल टीम को एक पुराना बोर्ड गेम पाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये सबसे पुराना बोर्ड गेम है, 300 एडी यानी लगभग 1700 साल पुराना। इसका मतलब ये है कि इसे रोमन आयरन एरा के दौरान बनाया गया था। इस गेम को एक पासे और 18 प्लेइंग चिप्स के साथ पाया गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये गेम नॉर्वे में मिला, रोम के किसी हिस्से में नहीं। इस गेम के साथ मिला डाइस में 4 फेसेस थे, जिसमें हर एक में 0 से 5 तक डॉट्स बने हुए थे। ये बेहद दुर्लभ पासा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये खेल गेम ऑफ मर्सिनरीज के नाम से जाने वाले खेल से प्रेरित रहा होगा। ये पुराने वाइकिंग टेबल नाम के खेल से भी प्रेरित लगता है, जो आज के समय के चेस जैसा ही है। हालांकि इसे कैसे खेला जाता है, इसके बारे में अभी किसी रिसर्च टीम को कोई अंदाजा नहीं है। पुरातत्वविदों का मानना है कि अगर वो इस गेम को डिकोड करने में सफल रहते हैं, तो वो उस समय रोम और स्कैंडिनेविया के संबंधों के बारे में जानकारी जुटाने में भी सफल हो जाएंगे। नंबर 1, द डीकैपिटेटेड वुमन। 5600 साल पहले पाषाण युग में मरी एक महिला की खोपड़ी ने उसके मृत शरीर को छोड़कर काफी अनएक्सपेक्टेड दूरी तय कर ली थी। इस महिला के कंकाल की खोपड़ी इटली की मार्सल ल्यूबिन नाम की गुफा में एक गहरे शाफ्ट में पाई गई है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक रिसर्चर को रॉक क्लाइंबिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करना पड़ा। इसलिए ये एक बड़ा प्रश्न है कि ये स्कल वहाँ पहुँचा कैसे, जबकि कोई अन्य मानवीय अवशेष वहाँ पर नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि जब महिला की मौत हुई, तब उसे उसकी कम्युनिटी के लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया था। एक और थ्योरी ये कहती है कि शायद उसका सिर तूफान, भूस्खलन जैसे एनवायरमेंटल फोर्सेस की वजह से उसके धड़ से अलग हो गया होगा और फिर नीचे गिरकर इस जगह आ गया होगा। हालांकि ये सिर्फ विशेषज्ञों की कल्पना है, वास्तविकता अभी भी रहस्य ही बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी 10 सबसे अजीब और सबसे रहस्यमय खोजें। ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।